चाहे हिंद चाहे भारत में बाबा हिंदुओं से आज आज के कल मैं जरा सा अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी पारिवारिक पिक्चर है उसको देखने गया था, फिल्म देखने। उनको फिल्म का बहुत शौक़ है, गानों का बहुत शौक़ है, फिल्म कोई भी छोड़ता नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने जो है शाहरुख खान और सलमान खान का देखा था पठान। पठान तो इसलिए देखा कि उसको लोग कह रहे थे धर्म विरुद्ध है, उसमें भगवत लेस है, उसको तो कुछ लगा नहीं, ऊपर से देशभक्ति वाली फिल्में लगी उसको। पठान देखा। अब मैं कल गया था तू झूठी मैं मक्का, उसमें रणवीर कपूर, राज कपूर जी के पोते, और जो है उसमें हीरोइन थी श्रद्धा कपूर, दोनों ने बहुत बढ़िया अभिनय किया। एक पारिवारिक पिक्चर है जिसको बहुत आनंद उठा के मैंने देखा। और उसी पिक्चर के बीच में मेरे पास फ़ोन आया, दो बार नहीं करीब चार चार बार पांच पांच बार फ़ोन आया। मैंने फिर अपने फ़ोन को ही बंद कर दिया। उसके बाद जो है मैं आज जब मैं ऑफिस आया तो मैंने कहा जरा सा देखूँ कि कौन सा आवन जो इतने परेशान हो रहे हैं, तो फ़ोन में पता चला कि बम्बई से किन्हीं साहब का है। अब वो साहब जो हैं मतलब सास जी ने उनके पत्नी को वश में कर लिया, एक तरह से पत्नी पागल हो गई। वो पत्नी जो है क्या कहते हैं मतलब इन जिन्होंने फ़ोन किया था उनको, उनकी दो लड़कियां हैं, उनको मार डालना चाहती है। अब बहुत परेशान है। तो पहले उन्होंने हमसे ऐसे तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मारण क्रिया करते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, क्षमा करना, मारण क्रिया नहीं करता। तो कहते मुझको मारण क्रिया करवानी। मैंने कहा बेटा एक बात सुन लो, मारण क्रिया मतलब किसी को मौत की सजा देना बिना वजह के। आपका कोई दुश्मन इतना बड़ा तो होगा नहीं कि आप उसको मौत की सजा देंगे, और यदि आपने मौत की सजा दे भी दी और आपके करने से वो मर भी गया तो भैया एक बार सचेत कर दे रहा हूँ, गुरु जी आप कहते हैं तो गुरु के नाते, कि नेचर जो है प्रकृति हमेशा जो है बदला लेती है, टेकन गिफ्ट वाला ऐसा बेटा। यदि प्रकृति आपके कहने से आके अल्पायु में उसकी मौत को मौत दे देती है तो भैया उसी अल्पायु में आपके घर से भी आपके किसी प्रिय की मौत हो जाएगी। यदि आप सह सकते हैं तो सही है, क्योंकि जिसको आपने अल्पायु में मारा तो उसके भी परिवार के लोग होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनके भी माँ बाप होंगे, सगे संबंधी, और सभी को कितना दुख होगा। इस तरह से आपके घर में यदि कोई मर जाए उसी का मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में, तो आपको कैसे लगेगा, सभी तो दुखी होंगे। उनको बहुत समझाया, मैंने पूछा हुआ क्या, तब उन्होंने यही स्टोरी बताई कि वो जो है बॉम्बे में रहते हैं, एक साधारण से नौकरी करते हैं और यूट्यूब के बाबाओं के चक्कर में पड़ के हजारों रुपए लुटा चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने किसी तरह से मेरा वीडियो देखा था, मेरा फ़ोन नंबर, तो उनसे कॉन्टेक्ट किया। वो ये सोच के बहुत खुश हो रहे थे कि मैं तुरंत उनको हाँ कर दूँगा, लेकिन भैया मैंने कहा मैं मारण क्रिया वशीकरण इनको करता नहीं। इस तरह से मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, विशेषकर लड़कियों के जिनके प्रेमी ने उनको धोखा दे दिया है, किसी और के साथ शादी करने वाला है, शादी तोड़वाने के लिए मारण क्रिया बहुत लोग करना चाहते हैं। अब कुछ कुछ लोग तो जो है इतना वो होते हैं मतलब मारण क्रिया के करवाने के लिए वो लाखों रुपए देना चाहते हैं कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले लीजिए, लेकिन उस आदमी को जिसको मैं कहूँ या औरत को उसको उसको मौत दे दीजिए। मैंने कहा भैया ये मेरे से नहीं होगा, ना मैं ये करता हूँ ना मैं सलाह देता हूँ। तो इस तरह से जो हुआ अब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो आज आपको पिक्चर बताऊँगा वो नरसिंह भगवान का है। नरसिंह भगवान तो जानते हैं भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंभे को तोड़ के खंभे के अंदर से निकले थे। आधा वो शेर के रूप में थे, आधा मनुष्य के रूप में थे। कौन थे? भगवान नारायण, विष्णु भगवान, जिन्होंने प्रहलाद जो कि नारायण का भक्त था उसके पिता द्वारा अत्याचार करते हुए पिता को मारने के लिए ही
उन्होंने खंभे को तोड़ के वो निकले थे नरसिंह भगवान। उसी नरसिंह भगवान की पूजा में बता रहा हूँ, आप कर लें तो आप उससे जो है वशीकरण मारा ये दोनों क्रिया कर सकते हैं, जो से भी आपकी मर्जी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं सामान लिखवा दूं। एक सफ़ेद कागज, जो होते बच्चे ड्राइंग करते ना वैसे एक सफ़ेद कागज चाहिए मोटा, नींबू चाहिए, एक चाकू चाहिए, मार्कर काला पेन, मार्कर होता ना मोटा वाला काला पेन, और जो है कील, कील चाहिए करीब से 2 इंच वाली, और 2 मोमबत्ती चाहिए। और ये मैं बता दूँ, ये जो है सिर्फ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख महीने का जिसमें जोड़ मिला के 1 आता है उन्हीं में ये प्रयोग सफल होगा। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भूल ना जाऊँ, बहुत पुरानी विधि है इसलिए मैं कागज़ में लिख के लाया हूँ उसको आपको समझ। तो आप भगवान नरसिंह का एक फोटो लीजिए, शुद्धता से उनका जो है पंचोपचार से पूजन करिए, भोग चढ़ाइए, भगवान से निवेदन करिए कि जो मैं क्रिया करने जा रहा हूँ उसमें सफल हो। मंत्र में बता रहा हूँ, इसको आपको पहले 11 दिन 11 वाला रोज करनी पड़ेगी, तब ये मंत्र एक्टिव होगा। उसके बाद ही आप को जो मैं विधि बता रहा हूँ उसको आप करिएगा, तो आप जिसको मारना चाहते हैं मारण क्रिया वो हो जाएगा, वशीकरण का चाहते हैं तो वशीकरण हो जाएगा, किसी को अपने दूर दराज इलाकों में भगाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, मतलब शत्रुओं का नाश, समूल नाश या उसको अलग कर देना। और किसी को वश में करना, जैसे मतलब कोई बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि वश में कर दीजिए, हम उस औरत को लड़की को चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन भैया मैं किसी ऐसे किसी न काम करता है टुच्चे ही वाला काम उससे नहीं होता, लेकिन मैं विधियाँ सब जानता हूँ, उसी विधि को मैं बता रहा हूँ। तो आपने सामान जुगाड़ कर लिया, इसमें जो है सफ़ेद कागज, नींबू, चाकू, मार्कर पेन, कील और 2 मोमबत्ती, और महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को ना मंत्र है नरसिंहे विद्महे वज्र न खाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया। ये जो है देखिए, ये मंत्र नरसिंह भगवान का मंत्र है। नरसिंह भगवान की फ़ोटो को आप रखिए, पीले चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के उस पर नरसिंह भगवान का फोटो रखिए, उसको पंचोपचार से पूजन कीजिए, खूब सुगंधित 2 पत्ती जलाइए, चमेली के तेल का उसमें वो जलाइए। उसके बाद जो है 11 दिनों तक आपको 151 बार मंत्र पढ़ना है 11 दिनों तक, तब ये एक्टिवेट होगा। मंत्र तो आपको बता दिया, नरसिंह के विद्वाहे वज्र न खाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया। ये नरसिंह भगवान का गायत्री मंत्र है, समझो ना। अब मैं आपको बताऊं, जो है कागज पे आप जो है कागज पे क्या करेंगे कि मार्कर पेन से जिसको आपको मारना हो या वशी करना उसका नाम लिखिए, ठीक है ना, हिंदी में या अंग्रेजी में नाम लिखिए, और 1 मोमबत्ती उस नाम के बाईं तरफ रखिए, 1 मोमबत्ती दाहिनी तरफ रखिए, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले सफ़ेद कागज पर काले मार्कर पेन से नाम लिखिए, नाम लिख लिया, फिर जो दाहिने हाथ की ये दक्षिण मोमबत्ती है, ऐसी मोमबत्तियाँ भी आती हैं ना जो कि आपको स्टैंड वाली होती है, अगर दीजिए तो वो मतलब वहीं पर उसको चिपकाना नहीं पड़ता, वो खड़ी रहती है, तो दाहिने हाथ की मोमबत्ती को माचिस से जला दीजिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनेगा, पहले दाहिने हाथ की मोमबत्ती को माचिस से जलाइए, फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर उसी मोमबत्ती को उठा के बाएँ मोमबत्ती को जलाइए, ठीक है ना, दोनों मोमबत्तियाँ जल गई। फिर उसके बाद क्या करें, उन दोनों मोमबत्तियों के बीच में नींबू के ऊपर, मतलब पहले तो आपने कागज़ पर नाम लिखा, फिर एक दाहिनी तरफ के साथ में राइट हैंड पर आप एक मोमबत्ती लगाई, एक बाएँ हाथ मतलब लेफ्ट हैंड पर लगाई, दाहिने हाथ की मोमबत्ती को माचिस से जलाया, थोड़ी देर रुक के उसी मोमबत्ती को उठा के बाएँ हाथ पे जो मोमबत्ती है उसको जलाया, और बीच में जो नींबू आप रखेंगे नींबू के ऊपर भी वही नाम लिखिएगा जिसको आप मारना चाहते हैं या वशीकरण करना चाहते हैं, पूरे बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश में या हिंदी में। अब क्या करना है,
इसके बाद जो है मार्कर पर से ले गया, अब जो कागज पर नाम लिखा है उसे मार्कर से काट दे, ऐसे क्रॉस बना दे, जो कागज पर नाम लिखा है उसको क्रॉस बना दे। और नींबू को ध्यान रहे जो नाम के बीच का अक्षर है वहां से ऐसा काटे कि नींबू बीच से जुड़ा है, ठीक है ना। मार्कर से पेन से नाम लिखा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है ANIL, है ना, तो क्या करते हैं एन और आई के बीच में आप ऐसे करके काट दीजिए, ठीक है, और उसको ऐसा काटे कि जुड़ा रहे। अब आप क्या करेंगे, उसको नींबू को भी नाम को काटना होता है, नींबू को काट के फिर बीच से चाकू से काट के उसको आई से करके रख दीजिए, है ना। अब जो है क्या करेंगे कि नींबू को जो दाहिने हाथ पे मोमबत्ती है उसको उसकी आग से थोड़ी देर तो उसको तपाइए, गरम करिए, समझ ना। फिर नींबू को चाकू, पहले क्या करेंगे नींबू पर जो नाम लिखा उसको क्रॉस बनाएंगे मार्कर पेन से कटिंग से, है ना। उसके बाद उसको जो है दाहिने हाथ में जो मोमबत्ती है उससे उसको गरम करिए, तपाइए, ठीक है। उसके बाद चाकू से उसको बीच में जो अक्षर है उसके ऊपर से रख दीजिए, चाकू तेज धार वाला चाकू लीजिएगा और उसे काट दीजिएगा, वो जुड़ा रहेंगे, है ना। और उसके बाद कटे हुए नाम वाले, है ना, सफ़ेद कागज को पांच बार मोड़ें, पांच बार, जैसे ये सफ़ेद कागज है, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चार बार, और फिर ये हो गए पांच बार, ठीक है ना, ऐसे मोड़ दीजिए। और क्या करेंगे, पांच बार मोड़ दिया है ना, पांच बार मोड़ना है, और कागज के बीच में लोहे की कील रखकर उसे नींबू के कटे भाग में घुसा दे। कागज के बीच में लोहे की कील रखिए और उसको नींबू के बीच में घुसेड़ दीजिए, ठीक है ना। और नींबू के रस से, जो नींबू का रस है, पहले दाहिने हाथ की मोमबत्ती के ऊपर रस टपकाइए, पुच्छ से बुझ गया, जब टपकाएंगे रस मोमबत्ती की लौ पे तो बुझ जाएगा। फिर जो है उसी नींबू के रस से बाएं हाथ वाली मोमबत्ती को टपकाइए मोमबत्ती के लौ के ऊपर, वो भी बुझ जाएगी, है ना। अब कागज को कील घुसे हुए नींबू को चौराहा पेड़ की जड़ या बहते नदी में बहा दें। अब क्या करना, पांच बार फोल्ड किया, कागज में पहले से कील रख लिया था, उस कील को नींबू में घुसेड़ दिया था, नींबू कटा हुआ था, अब उसको जो है सब चीज़ों को, पांच फोल्ड वाला कागज, लोहे की कील और नींबू को आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए या शमशान घाट में जाके उसको गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए, या किसी पेड़ की जड़ में जो बरगद का पेड़ वगैरह होता है, पीपल का, जिसमें भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ पर जड़ के पास गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए, समझे। संपूर्ण क्रिया में आप यदि नाम वाले को मारना चाहते हैं या भगाना चाहते हैं या लड़ाई झगड़ा आपस में करवाना चाहते हैं या फिर आपके वश में हो जाए, ऐसी कामना जरूर करते रहिएगा जो कुछ भी आपके मन में है। और भैया ये तो है कलयुग, इसमें मुफ्त में कोई चीज़ तो मिलती नहीं है, समझे ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करिए, पूर्ण विश्वास रखिए, अथाह विश्वास नरसिंह भगवान पे, और जो है आप इस क्रिया को करिए, भगवान चाहेगा तो आप मारण या लड़ाई झगड़ा करवाना या दूर भगा देना या वश में करना, जिस व्यक्ति का नाम लिखा वो हो जाएगा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और महीने के एक तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को ये करना है बस। और जब आप ये सब काम कर लेंगे तो उसको नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए या शमशान घाट में गड्ढा खोद के गाड़ दीजिए या पिपल या बट वृक्ष के जड़ के पास गड्ढा खोद के उसको गाड़ दीजिए। नमस्कार, जय हो भगवान नरसिंह, समस्त भक्तों की मनोकामना पूरी करना। और एक बार मैं मंत्र आपको फिर से बता दे रहा हूँ, उस मंत्र को जो है आप पॉज कर करके लिख लीजिए। मंत्र बहुत सहल है, सब जगह मिल जाएगा, ये गायत्री मंत्र नरसिंह भगवान का, नरसिंहे विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्।
नरसिंह भगवान की फोटो जरूर रख लीजिएगा। 151 बार मंत्र जाप करना है 11 दिनों तक, तब एक्टिवेट होगा। उसके बाद ही ये कागज के ऊपर नाम लिख के नींबू का वो करके जो क्रिया पूरी बताई वो करेंगे तो आपका काम निश्चय सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं अब देख रहा हूँ मेरा वीडियो चला भी है कि नहीं। नमस्कार।